आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में यात्री बस में सफर कर रही महिला की बस के अंदर ही सीट में बैठे बैठे मौत हो गई। बस स्टैंड में पहुंचने के बाद जब महिला को अचेत हालत में देखा गया तो हड़कंप मच गया। चालक व कंडक्टर ने बिना समय गवाए ही महिला को बस में ही अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल यह मामला बघेल ट्रेवल्स की बस का है, जहां ग्राम नगई से रीवा आई हुई थी। बताया गया कि बस में सवार राम रति सिंह नाम की बुजुर्ग महिला रीवा आने के लिए बस में सवार हुई थी, जिसकी बस के अंदर ही बैठे बैठे मौत हो गई। बताया गया कि महिला को शुगर व बीपी की गंभीर बीमारी थी, जिसकी मौत हृदय गति रुकने के कारण होना बताई जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मर कायम कर मामले को जांच में लिया गया है। कौन सी बस है ये? कहां से कहां चलती है ये? रीवा से नगई चलती है। एक महिला की मौत हुई है बस के अंदर, कैसे कैसे जानकारी ये? हमने सर महिला की मौत को नहीं जानते हैं कि मौत हुई है कि नहीं हुई है। हमने जब देखा उनको तो सामान थाने ले गए और सामान थाने वाले बोले कि तत्काल प्रभाव संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और अस्पताल हम लेकर आए हैं सर। पुलिस कोई नहीं आई सर? पुलिस वाले सर भी नहीं आए, वहाँ से भेज दिए, पुलिस नहीं आई सर। के हम रहने वाले हैं, वहाँ से ये आई हैं बस में, तो मुझे बस स्टैंड में जानकारी मिली है, फ़ोन गया है कि मतलब वो बोल ओल नहीं रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल लेके। बस आ गई है ये बस, कहां ये बस रीवा से और वहाँ हम नगई। ये नगई से हाँ नहीं नगई से ढेरा आती है और यहाँ से वो वहाँ जाती है नगई। तो आप कैसे, कौन बताया, कैसे पता? अरे हमें वो जो बस के हैं वो हमारे यहाँ, हमारे नहीं यहाँ के हैं। क्या नाम था इनका? राम रति सिंह। क्या बीमारी? हाँ शुगर की पेशेंट थी, उनकी बीपी भी बहुत हाई हो जाती थी। अभी 10-15 दिन पहले आई थी तो यहीं पूरी जांच करवाए थे और यहीं दिखवाए थे, तो कुछ भी नहीं, शुगर निकला था।